गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एंटिसिपेट दैट यू आर एंजॉयिंग योर स्टडीज। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 2 ईदगाह। यह एक कहानी है। यह कथा सम्राट प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। इस कहानी में एक छोटा सा बालक है जो अपनी इच्छाओं को अपनी दादी के लिए दबा देता है। इस कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। अब हम कहानी को समझेंगे और पढ़ेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, कोई पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। इन सारी लाइनों में बताया गया है कि जो त्यौहार आ रहा है ईद, उसके लिए सभी लोगों के मन में कितनी हलचल है। सब अपनी अपनी व्यवस्था करने में जुटे हैं। अगर किसी का कुर्ता ठीक नहीं है तो उस कुर्ते में बटन लगवा रहा है, कोई अपने जूतों को ठीक करवा रहा है, कोई जिसके पास पूरी व्यवस्था नहीं है घर में तो वो सुई धागा लेने के लिए किसी और के घर पड़ोस में दौड़ा चला जा रहा है। इस तरह से सब अपने अपने त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। और जिन लोगों को जो असंभव कार्य लग रहा है उसके लिए भी वो दौड़े चले जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? लड़के हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने रोजे कैसे रखे हैं? जैसे एक ही रोज़ा रखा है और वो भी कब तक रखा है? दोपहर तक का। किसी ने वह भी नहीं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने रखा ही नहीं है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, लेकिन सभी लोग ईदगाह जाना चाहते हैं। ईदगाह वह स्थान है जहाँ पर लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। बच्चों का यहाँ पर ऐसा कहना है कि जो रोजे हैं वो केवल बड़ों के लिए हैं, बूढ़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए तो ईद आई है, यानी कि मौज मस्ती का समय है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? इन्हें गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन? जो छोटे बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरह की जो समस्याएं होती है उनसे कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके घर में बड़े लोग हैं, वो उन समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रयोजन का अर्थ है कारण, गृहस्थी मतलब घर परिवार। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन मतलब पैसा। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। बच्चे जो हैं जिन्हें अपने परिवार वालों ने पैसे दिए हैं वो बार बार अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और उनको बार बार गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, बिगुल जो कि बजने वाला एक खिलौना होता है, गेंद और न जाने क्या क्या। सब बच्चे अपने मन में पहले ही विचार कर रहे हैं कि हम मेले में जाएंगे तो वहाँ से खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम बिगुल लेंगे, गेंद लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। अब इसमें हामिद के विषय में बताया है, जिसके जो पिताजी हैं वो पिछले वर्ष हैजे यानी कि एक बीमारी का नाम है, उसकी भेंट हो गए, यानी कि जब उनको वो बीमारी हुई थी तो उनकी मृत्यु हो गई।
फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसके बाद में उसकी माँ भी चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब उसका परिवार में और कोई भी नहीं है, जो पिताजी थे उनकी हैजे की वजह से मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात उसकी माँ भी मर गई, तो अब केवल और केवल उसकी दादी अमीना है, वो उन्हीं की गोद में सोता है और प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। अब उसकी दादी ने उसको ऐसा समझा रखा है, क्योंकि वो बच्चा छोटा है तो उसकी दादी ने उसको समझा रखा है कि अब्बा जान जो हैं वो रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान जो है वो अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। जब वो आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, अरमान मीन्स इच्छाएँ। जब वो दोनों आएंगे तब ये अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, तब देखेगा कि महमूद, मौसी, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। तो इसको समझा रखा है इसकी दादी अमीना ने कि जब वो आएंगे तो वो खूब पैसे लेकर आएंगे और तब ये बच्चा अपने अरमान निकालेगा, यानी अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, और तब यह देखेगा कि अपने जो दोस्त हैं जिनका नाम है महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, कहाँ से वो इतने पैसे लाएंगे उनके जितने। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, दादी बैठी बैठी अपनी जो कोठरी है उसमें रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार है, तो ईद का दिन है और इनके घर में खाने तक को कुछ भी नहीं है। उसका दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अब्बा अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। अब क्या है कि घर में बिल्कुल पैसे नहीं है, खाने को दाना भी नहीं है, तो दादी बहुत दुखी हो रही है और वह देखती है कि सारे जो गांव के बच्चे हैं वो अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं, तो उनका दिल और बैठा जाता है कि हामिद को मेले कौन लेकर जाएगा, और हामिद का दादी के अलावा और कोई नहीं है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, नहीं अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, कुल 2 आने पैसे हैं, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। अब दादी बार बार मन में विचार करेगी कि अगर भीड़ भाड़ में बच्चे को कुछ हो गया या बच्चा कहीं खो गया तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, इसलिए दादी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती। और 3 कोस वह चलेगा भी कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं हैं, कुल 2 आने पैसे हैं, आने का मतलब होता है 6 पैसे, तो ये कितने हो गए 12 पैसे, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए और फिर मन ही मन सोचा कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पर मतलब पंख, सब बच्चे दौड़ लगा लगा के जा रहे हैं, इतनी धूप है तो भी वो खूब तेज़ दौड़ रहे हैं, और जैसे ही कोई हरियाली वाला पेड़ आता है तो सब नीचे खड़े होकर दूसरे जो पीछे छूट गए हैं उनका इंतज़ार करते हैं। और हामिद उसके पैरों में तो जैसे पंख लग गए हैं, वो इतना तेज़ दौड़ता है और ऐसा लगता है जैसे वो कभी नहीं थकेगा। वह कभी थक सकता है, शहर का दामन आ गया, अब शहर आ गया है, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही है, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब, यह घर है, सहसा ईदगाह नज़र आया। अब वह स्थान आ गया जहाँ पर सब लोग मिलकर नमाज अदा करेंगे। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, जाजिम मतलब होता है दरी जो हम फर्श पर बिछाते हैं। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, अर्थात वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आए हैं जो पंक्ति यानी कि लाइन में एक के पीछे एक बहुत दूर तक
निगाह जा रही है, वहाँ तक जाजिम बिछी हुई है और वहाँ पर लोग हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस जगह ईदगाह वाली जगह कोई धन और पद नहीं देखा जाता, सब लोग किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। इस्लाम की नज़र में सब बराबर है। इस्लाम जो कि धार्मिक ग्रंथ है, उसकी नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। अब इन जो गांव के लोग आए थे, उन्होंने पिछली पंक्ति में वो खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है वहाँ पर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा, सिजदा उसे कहते हैं जिसमें कि हम झुक कर प्रणाम करते हैं। तो सब लोग सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भारतत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हो। भारतत्व शब्द आया है क्योंकि सभी लोग आपस में भाईचारे से वहाँ पर पंक्तियों में खड़े हैं और एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, इसीलिए भारतत्व कहा गया है। नमाज खत्म हो गई, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नमाज अदा करने के बाद में सब लोग गले मिलते हैं। तभी मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा होना मतलब दौड़ लगा लगा के बच्चे जैसे ही नमाज पढ़ी उसके बाद में वहाँ पर चले जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल किसी भी विषय में कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला मीन्स झूला। ग्रामीणों का यह दल, जो गांव से लोग आए हैं, वो बहुत उत्साहित हैं और वो ये सब चीज़ें देखते हैं कि देखो झूला है, यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट, छड़ी, छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, जो हिंडोला है उसमें आप एक पैसा देकर बैठ सकते हो और 25 चक्कर का मजा लो। और वो कितने राउंड लगवाएगा? 25। महमूद और मोहसिन, नूरे और सिम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। अब ये जो घूमने वाला जो झूला है, इसमें ये चारों बच्चे बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, हामिद के पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो वो हामिद दूर खड़ा खड़ा इन लोगों को देखता है। तीन ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वह बच्चा बहुत समझदार है, वह जानता है कि उसके पास मात्र 3 ही पैसे हैं, तो वो केवल इस झूले में झूलने के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। सब चरखियों से उतरकर खिलौने की दुकानों की ओर बढ़ते हैं। अब उन्होंने झूला झूल लिया, उसके बाद में वो कहाँ जाते हैं? खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं सिपाही और गुजरिया। मतलब खिलौने इतने अच्छे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बोलने ही वाले हैं। उसमें क्या क्या है? सिपाही है, गुजरिया है, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, ये खिलौने हैं। सिपाही तो आप सभी जानते हो, जो पुलिस का सिपाही होता है वो है। गुजरिया जो गांव की होती है, जो मटके लिए हुए होती है, उसे गुजरिया बोलते हैं। फिर राजा भी है और वकील भी है कोट पहने हुए। भिश्ती है, भिश्ती जो पानी भर के लाता है, थैला सा होता है जिसके पास चमड़े का मशक सा, उसे भिश्ती बोलते हैं। और धोबिन जो कि कपड़े धोती है वो। महमूद सिपाही लेता है, अब जो महमूद नाम का लड़का है वो सिपाही खरीद लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया तो वो भिश्ती ले लेता है। नूरे को वकील से प्रेम है, वो वकील ले लेता है। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। बच्चा इतना समझदार है कि वो समझ रहा है कि अगर ये मिट्टी के खिलौने अगर मैंने लिए और कहीं हाथ से छूट गया तो वो टूट जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, और अगर पानी में गिर जाए तो उनके जो कलर है, कच्चे कलर, वो हट जाएंगे, धुल जाएंगे रंग। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। अब खिलौने से आगे जाते हैं तो कौन सी दुकान आती है? मिठाइयों की। किसी ने रेवड़ियाँ ली है तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी बड़े मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है, हामिद परंतु सबसे अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, अभागा मतलब बदनसीब, उसके पास मात्र कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। वो केवल उनको ललचाई आँखों से वह सबकी ओर देखता है, केवल ललचाई दृष्टि से वो इन सब बच्चों को देख रहा है जो तरह तरह की मिठाइयाँ और दूसरी चीज़ें खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट का मतलब होता है सोने और
सोने और चांदी का जो पानी चढ़ी हुई वस्तुएं होती है उसे गिलट बोलते हैं। तो मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, जैसे चिमटा, संडासी और ये इस तरह के जो सामान होते हैं उनकी है, और कुछ गिलट की है और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। अभी इनमें लड़कों के काम की तो कोई भी वस्तु उन्हें नज़र नहीं आ रही है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वे चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। कितना समझदार है कि उसने इतनी सारी आकर्षक वस्तुओं की दुकानें देखी, परंतु वह कहीं भी नहीं रुका। वो कहाँ रुका, चिमटे वाली दुकान पर, क्योंकि वो जानता है कि उसकी दादी जब रोटियाँ सेकती है तो उनके बूढ़े बूढ़े हाथ रोटी से जल जाते हैं। वह बूढ़ी हो चुकी है। जब वो जल जाती है तो उनकी परवाह करने वाला घर में उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसलिए वो चिमटे वाली दुकान पर रुकता है और उसके मन में ख्याल आता है कि इन फालतू के खिलौनों से कोई मतलब नहीं है, ये तो टूट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, और वो ये चिमटा खरीदने का मन बनाता है। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।